हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, ये पिक अ कार्ड हम कर रहे हैं कि आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के इस वक्त। ठीक है, मेरी सारी रीडिंग्स जो है वो टाइमलेस है। ठीक है, एंड जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड करती हूँ, रीडिंग एंड हीलिंग वगैरह, वो उसे उसके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके तीन ऑप्शंस हैं, ब्लू वाला 1, फिर ये पीच वाला 2, मुझे सिंह रेड वाला 2 रखो, रेड वाला 2 एंड ये पीच वाला 3। ठीक है, ब्लू वाला 1, रेड वाला 2 एंड ये पीच वाला 3। ठीक है, वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए पॉज कर लीजिए, सवाल पूछ लीजिए अपना कि आपका पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, और ये रोमांटिक फ्रंट में होगा। ठीक है, ये ब्लू वाला से हम स्टार्ट करेंगे। फाइव 1 के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं उनके पर्सन। आपका पर्सन आपको एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन की तरफ देखते हैं। ठीक है, दे फील कि आप कहीं ना कहीं बहुत लकी हो कि आप जो चाहते हो कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है। ना ये सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जो मैसेजेस मैं दे रही हूँ ये उनकी थॉट प्रोसेस है, उनकी फीलिंग्स है आपको लेकर के। ठीक है ना, आपका पर्सन जब भी इस कनेक्शन को लेकर के, इस रिलेशनशिप के बारे में जब भी वो सोच रहे हैं, उन्हें बहुत स्ट्रेस फील होता है। एंड दे फील स्ट्रेस बिकॉज आप बहुत ही जेनरस पर्सन हो, बहुत ही अबंडेंट हो। ठीक है, प्रॉब्ली बिकॉज वो अपने बारे में ऐसे फील नहीं करते हैं, बट समहाउ इसलिए शायद जब वो आपको देखते हैं एक अबंडेंट एंड फुलफिलिंग पर्सन, तो उन्हें बड़ा स्ट्रेस होता है। ठीक है ना, बहुत कंपेयर करते हो अपने आप को आपके साथ, प्रॉब्ली दूसरे उनके जो लव चॉइसेस है उनके साथ आपको बहुत कंपेयर करते। दे सी यू समबडी जो बहुत ही डिवाइन फेमिनिन वाली यहाँ पर एनर्जी है। ठीक है ना, सो बहुत ही अबंडेंट, फुलफिलिंग, फ्रूटफुल। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने की क्षमता रखता हो, वो ऐसे आपको आपके बारे में फील करते हैं। ठीक है, दे सी यू एज समबडी जो बहुत आज़ाद ख्याल के हो। ठीक है, आपको बांधा नहीं जा सकता, आपको एक जगह बांध के कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आप मुक्त हो। ठीक है, या दे इवन फील कि आप इस रिलेशनशिप से एक ब्रेक थ्रू से आप गुजरे, लाइक आप इस बंधन से बाहर मुक्त हो गए हो। ठीक है, आपने अपने आप को आज़ाद कर लिया। दे सेइंग कि देयर आर डिफरेंसेस इन बिलीफ सिस्टम, प्रॉब्ली उनके प्रैक्टिसेस और आपके प्रैक्टिसेस में, उनके थॉट प्रोसेस में और आपके थॉट प्रोसेस में बहुत डिफरेंस था, एंड आप उनके बिहेवियर से, उनकी सोच से आप अग्री नहीं करते थे। ठीक है, और यहाँ से आपने अपने आप को मुक्त कर लिया विद दैट ब्रेक थ्रू कार्ड। ठीक है, नंबर 11, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 7 एंड नंबर 4 आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। या दे आर सेइंग दैट यू आर हील्ड। ठीक है, प्रॉब्ली पास्ट में कुछ चाइल्डहुड वूंडिंग्स थे आपके, जिससे आप बहुत परेशान हुए थे, उन्होंने नोटिस किया। ठीक है, कि कुछ चीज़ें थी जो आपको बहुत तंग करती थी, परेशान करती थी, इंटरनल कुछ बैटल से आप गुजरते थे, पर अब उन चीज़ों से आप अपने आप को मुक्त कर चुके हो। ठीक है, आप हील हो चुके हो। या दिस इज यू आर एन अवेकन सोल, के आप जो आपके मन में सवाल थे, ठीक है, एज ए ट्रूथ स्पीकर आप ऑलरेडी उन सवालों के जवाब ढूंढ चुके हो या उसके रास्ते में हो, एंड इस रिलेशनशिप से तो आप अपने आप को मुक्त कर चुके हो। ठीक है, एंड वो आपको दोबारा इस रिलेशनशिप में बांध नहीं सकते हैं।
यस दे कैन नॉट बाइंड यू एनी मोर बिकॉज यू आर वेरी मेच्योर, ठीक है ना, वो बातों में आपको हरा नहीं सकते, आपके अपने यू नो अपने कम्युनिकेशन में वो आपको झूठ मूठ बोल के यू नो आपको बांध नहीं सकते बेसिकली, दे कैन नॉट ट्रैक यू एनी मोर. जैसे कि अगर उनका बस चले तो आपको ट्रैक करने के लिए वो आपको प्रेगनेंट भी करते, ठीक है, कि जस्ट समहाउ अगर आप उनसे दोबारा बन सको तो, ठीक है. सो लाइक बहुत टॉक्सिक तरीके से वो आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, लाइक वो आपको वापस अपने एनर्जी फील्ड में खींच के वापस लेकर के आना चाहते हैं. इस पर्सन ने प्रॉब्ली इस पर्सन का जो नहीं जैसे इट्स योर्स. अच्छा आप कोई वाटर साइन हो सकते हो या फुल मून या न्यू मून के आसपास आपकी जन्म हुई है, ठीक है. एंड जैसे कि आप बहुत ही पेशेंट हो, आप बहुत पेशेंटली इस पर्सन के साथ डील कर रहे थे. एंड नो मैसेज कमिंग इन, वो दे सेइंग कि उनकी तरकीबें आपके ऊपर काम नहीं करता है. या दे सी यू समबडी फ्रॉम देयर पास्ट, लाइक पास्ट लाइफ कनेक्शन वो कहीं ना कहीं फील करते हैं, ठीक है ना. व्हाट इज द स्पेसिफिक फीलिंग, दे सी यू एज समबडी जिसके साथ वो सक्सेसफुल हो सकते हैं. पता देवेन से कि लाइक उनके घर वाले उनके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं वो आपको पसंद करते हैं, उनके घर वाले आपको पसंद करते हैं, ठीक है, उनके जो बड़े हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको आपको बहुत पसंद करते हैं. दे सेइंग यू आर वेरी ब्रेव, आप हील हो और बहुत ब्रेव हो, आपको आपको रिस्क लेने में प्रॉब्लम मज़ा आता है, ठीक है, लाइक बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क आप लेते हो एंड जो आप कहते हो आप उसे पूरा करते हो, विच इज़ वेरी रिकमेंडेबल रिमार्केबल. ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं, लाइक बहुत तारीफ करते हैं आपके. या दे सी यू एज एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के तौर पे वो आपको देखते हैं, नहीं दे सेइंग कि वो चाहते हैं कि आप उन्हें एज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन देखो, वो चाहते हैं कि आप उन्हें एज अ सोलमेट और एज ट्विन फ्लेम देखो. उन्हें घर घर सा भी फीलिंग आता है आपसे, फैमिली फैमिली वाइब आती है आपके साथ. दे सेइंग कि अगर उन्हें आपको झूठ भी बोलना पड़े तो वो बोल लेंगे दैट हाँ वी आर सोल मेट्स या ट्विन फ्लेम्स एंड समथिंग, एंड आपको उस वो बोल करके वो वापस आपको अपने साथ रिलेशनशिप में वो लाएंगे. दिस इज समथिंग जो उनके दिमाग में चल रहा है. ये वेरी कंट्रोलिंग पर्सन, इट्स लाइक उन्हें कैसे भी करके आपको अपने लाइफ में वापस मैनिफेस्ट करना है और आपको अपने कंट्रोल में वापस लेकर के आना है, और उसके लिए उन्हें जो करना होगा वो करेंगे. ओके नाउ लेट्स डू नंबर फाइल नंबर टू, जिन्होंने ये रेड पेन को चुना है, ठीक है. माय फाइल टू के पर्सन के मन में फाइल टू के लिए क्या फीलिंग्स है. वो आपको एज अ गुरु फिगर देखते हैं, ठीक है, एज अ टीचर, एज समबडी जिसकी जिसमें बहुत विजडम है, जो बहुत स्पिरिचुअली गाइडेड है एंड जो बहुत अंडरस्टैंडिंग होल्ड करता है, ठीक है ना. समबडी हु इज ब्लेस्ड विद माँ सरस्वती के आशीर्वाद से, बहुत यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को आप होल्ड करते हो. They see you somebody who is very balanced, ठीक है. आपको ordinary चीज़ें बहुत अच्छी लगती है,
ठीक है, एंड दे रियलाइज़ कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, लोग आपके ऊपर अपने इमोशंस को प्रोजेक्ट करते हैं, सारी टॉक्सिक सोच को वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, इस पर्सन ने भी किया था, ठीक है, एंड दे आर रियलाइजिंग दैट दे मेड अ मिस्टेक. एक डिसोबीडियंस वाला एक वाइब यहाँ पर है इस एनर्जी में, विच टेल्स मी कि उन्होंने जो कुछ भी डिक्लेयर किया था आपके बारे में, बिकॉज वो प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने अगर कहा होगा कि पायल टू ऐसा 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 है, बट आपने कुछ और करके आपने समहाउ अनजाने में साबित कर दिया कि उनकी सोच कितनी गलत है आपको लेकर के. सो दे रियलाइज़ कि उन्होंने आपको समझने में बहुत भूल की है, ठीक है ना. प्रॉब्ली इस पर्सन ने आपको काफ़ी अंडर एस्टिमेट भी किया था, या ये पर्सन कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो, ठीक है, एसोटेरिक चीज़ों को लेकर के थोड़ा घीटा घीटी कर रहे हैं इस वक्त, अपने बर्थ चार्ट को और आपके बर्थ चार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या रिलेशनशिप है. एंड अगर आप इन सारी चीज़ों को लेकर के आप इंटरेस्ट रखते हो, यू आर एन एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट और टैरो कार्ड रीडर एंड ऑल, तो वो भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं जानने समझने के लिए कि आप किस स्टैंड पॉइंट से फंक्शन कर रहे हो और कहाँ से आप में इतनी विजडम आ रही है, इतनी समझ कैसे आ रही है. दे सेम कि अगर ये पर्सन आपसे ज़्यादा एडुकेटेड है, लाइक 4 किताबें ज़्यादा पढ़ रही थी, तो उन्हें लगा था कि उन्हें सब कुछ पता है, ठीक है, एक एरोगेंस था इस पर्सन की एनर्जी में, बट दे आर रियलाइजिंग कि उनकी 4 किताबें कुछ भी नहीं है कंपेयर टू जो अंडरस्टैंडिंग, जो विजडम आप में है, ठीक है. नंबर 10, नंबर 7, नंबर 8 एंड नंबर 15, 12 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है. दे सेम कि आप में एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है, ठीक है, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी कंडीशन्ड, ठीक है ना, बहुत ही कंडीशन से चलते वो करते हैं जो उन्हें कहा जाता है, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम ये करोगे, एंड वो बिना सवाल पूछे कि ये सही भी है या नहीं है, एकदम आंखें मूंद के चीज़ों को फॉलोअप करते हैं, सब करते हैं तो वो भी करते हैं, सवाल नहीं पूछते, ठीक है. बट यू आर वेरी डिफरेंट, आपकी एनर्जी और इस पर्सन की एनर्जी एकदम ऑपोजिट में है, ठीक है, और वो ये सारी चीज़ें इस वक्त मेजर आउट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि आप कितने डिफरेंट हो उनसे, ठीक है. देवन सेइंग कि आप बहुत क्रिएटिव हो एंड नेचर के बहुत करीब हो. इस पर्सन ने आपको विच भी बुलाया होगा, यू माइट बी अ वाइट विच, ठीक है, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, इट्स अ गुड स्टाफ अगर आप विच हो तो, ठीक है, बट दे सेड इट इन अ वेरी नेगेटिव एक कॉनोटेशन में, उन्होंने ये बात कही थी आपको बदनाम करने के लिए, आप एक नेगेटिव एक डार्कनेस को दर्शाने के लिए उन्होंने नेगेटिव तरीके से कहा था, बट देन दे आर स्टिल स्टैंडिंग इन दैट थिंग कि नहीं आप विच हो, प्रॉब्ली आप डार्क विच नहीं लाइट विच हो, ठीक है. सो दे आर नॉट सेइंग कि आप और विच नहीं हो, बट दे आर सेइंग कि प्रॉब्ली आप अच्छे विच, यू आर द गुड विच, ठीक है. ये पाइल नंबर 2 मेरा मेरे मिस्टेक्स का है. आप डेफिनेटली कोई स्पिरिचुअल लीडर, कोई टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, एसोटेरिक रेंज से हो, बिकॉज ये पर्सन कंसिस्टेंटली आपको यूनिवर्स के बड़े करीब देख रहे हैं. जैसे ये पर्सन ये भी देख पा रहा है कि आप में कहीं ना कहीं बर्डन्स को लेट गो करने का और साइकिल्स को शट डाउन करने की भी क्षमता है, ठीक है ना, इसलिए आपने कार्मिक साइकिल्स को एक्टिवली क्लोज डाउन कर सकते हो, ठीक है, किसी भी बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो, एंड दे लाइक रियली अप्रिशिएट ऑल दीज थिंग्स आपके बारे में. मैं समझ में तो पूरी तरीके से वो पिक्चर को मैं समझ में नहीं आता कि कैसे कर लेते हो, बट वो रेकग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ वो आप कर सकते हो, ठीक है. वो कह रहे हैं कि आपके लिए वो एक बर्डन था,
ठीक है, दे काइंड ऑफ रियल सैड ये बात सोच करके वो खुद ही अपने आप में सोच रहे, प्रॉब्ली आपने ऐसा कुछ कहा नहीं था या किया नहीं था जिससे वो ऐसा सोचे, उन्होंने बहुत कुछ अपने आप में आपको लेकर के सोच लिया था। उन्हीं सोचों में से एक ये भी है कि उन्हें वो इस बात को फील कर करके ना सोच सोच के बहुत अपसेट हो जाते हैं कि आपके नज़र में वो एक बर्डन थे, एक कार्मिक बर्डन थे जिसके साथ आपने साइकिल क्लोज डाउन किया है। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉब्ली उनकी एनर्जी इतनी हैवी थी, आई एम नॉट सेइंग इंटेंस, आई एम सेइंग हैवी थी। ठीक है, कार्मा से इतना ज़्यादा वो इतना ज़्यादा उलझे हुए थे कि प्रॉब्ली आप स्लो डाउन हो जा रहे थे, आपकी एनर्जी ड्रेन्ड हो जा रही थी, आपको तकलीफ़ हो रही थी, और इसलिए आपने एक इस पर्सन को नेगेटिव लाइट में देखते हुए आपने अपने आप को इस बंधन से मुक्त कर लिया था। बिकॉज़ ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर कर रहा था, ये आपको डिले कर दे रहा था, आपके मैनिफेस्टेशन को, आपकी एनर्जी को बिगाड़ रहा था कहीं ना कहीं। या इस पर्सन के बस में चले तो आपको वापस अपनी एनर्जी फील्ड में लाने के लिए नहीं, दे आर सेइंग कि यू आर अ फाइटर, कि आप जो जो आपका है, ठीक है, आप उन चीज़ों को हासिल करने के लिए आप फाइट पुट अप कर सकते हो, अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो, एंड यू आर वेरी इंट्यूटिव, यू आर वेरी इंट्यूटिव, आपको लीप ऑफ फेथ लेना आता है, आपको अपने आप को प्रॉब्ली दूसरों को भी हील करना आता है। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ गुड स्टफ टू टॉक अबाउट यू, प्रॉब्ली पास में उन्होंने आपको समझने में गलती की थी, बट आपसे अलग होने के बाद उनका पर्सपेक्टिव आपको लेकर के अभी बहुत ज़्यादा बदल चुका है। ठीक है, ओवरऑल व्हाट डज दिस पर्सन फील अबाउट माय फाइल टू कंक्लूजन, दे फील वेरी गिल्टी, दे फील वेरी गिल्टी कि उन्होंने आपको एक नेगेटिव तरीके से आपको देखा था, एंड उनका ये विश है कि समहाउ अगर वो पास में जा कर के वो समय अगर उन्हें वापस मिल जाए तो वो आपको गलत तरीके से नेगेटिव बातें बोल करके, आपका दिल दुखा करके उनका बस चले तो वो ना दुखाए, उन चीज़ों को वो अनडू करना चाहते हैं। ठीक है ना, वो अपने बिहेवियर्स को करेक्ट करना चाहते हैं, एंड देर इज़ ऑल्सो फीलिंग कि शायद अभी बहुत देर हो गई है, एंड जिसके लिए लाइक दे आर वेरी सैड, दे आर सैड, दे आर गिल्टी एंड दे आर सैड। ओके, लेट्स डू नंबर पाइल नंबर 3, जो ये पीच वाला जिन लोगों ने चूज़ किया था, पाइल नंबर 3 के पर्सन की क्या फीलिंग्स है, पाइल 3 के पर्सन के लिए। अब पाइल नंबर 3 आपको एज अ लवर देखते हैं, एज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। ठीक है, दे सी कि आपके साथ देर इज़ अ लॉट ऑफ इंटेग्रिटी। ठीक है, बहुत सारे मॉरल्स है, आप बहुत ही वैल्यूबल पर्सन हो, लाइक आप में वैल्यूज़ है, कोर वैल्यूज़ है, आपकी नीति सिद्धांत बहुत ही राइट है, इट्स वेरी राइचियस। ठीक है ना, लाइक आप जस्टिस के लिए स्टैंड करते हो जो सही है, चाहे वो डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, आप हमेशा सही चीज़ों को सपोर्ट करते हो, एंड डिसर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है विद दैट गाइडेंस कार्ड, लाइक सच और झूठ, सही और गलत के बीच में फर्क करने की जो एक डिसर्नमेंट होती है ना, समझ होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आप में। ठीक है, आप किसी के साथ अन्याय नहीं करते हो, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ठीक है ना, दे सेइंग कि आप बहुत ही साइलेंट हो आजकल, एंड आपकी चुप्पी कहीं ना कहीं उन्हें बहुत चुभ रही है। पास में प्रॉब्लम वो आपको उकसाते थे चीज़ों को लेकर के और आप फाइट बैक करते थे। ठीक है, एंड ये टॉक्सिक तरीका कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि अरे ये तो नॉर्मल है, टॉक्सिक चीज़ों को वो प्रॉब्ली प्यार का नाम दे रहे थे कि यार ऐसे एक दूसरे के पीछे लगना एंड फाइट करने को ही शायद प्यार कहते हैं, एंड उन्होंने प्रॉब्ली आपको पास में काफ़ी तंग किया है, लाइक अननेसेसरी फाइट्स पिकअप करना, आपको परेशान करना, जानबूझ के हर्टफुल बातें करके आपको उकसाना।
ये जानते हुए कि जो चीज़ों को लेकर के आप बहुत सेंसिटिव हो, जो चीज़ें आपके बहुत दिल के करीब है, ठीक है, प्रॉब्ली कुछ वूंडिंग्स हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत हर्टफुल था, ठीक है, उन्होंने जानबूझ के आपको वही बातें बोल बोल के आपको बहुत हर्ट करते थे, ठीक है, एंड आप फाइट बैक करते थे, अपने आप को डिफेंड करते थे, एंड उनके दिमाग में वो इन टॉक्स अपने खुद के टॉक्सिक बिहेवियर को नॉर्मलाइज कर रहे थे ये कह के कि यही प्यार है, बट यू सैड कि नहीं, ये प्यार नहीं है, दिस इज़ जस्ट टॉक्सिसिटी एंड आई एम नॉट ओके विथ दिस बिहेवियर, और आप चुप हो गए, अपनी एनर्जी को आपने विदड्रॉ कर लिया, ये कोई सज़ा नहीं था, दिस इज़ मोर लाइक आप अपने आप को इनके टॉक्सिक गैस लाइटिंग से आप अपने आप को सेव कर रहे थे, एंड अब आप चुप हो गए हो, आप अब कोई रिएक्शन नहीं देते हो, कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, यू जस्ट चुप हो गए हो, ठीक है ना, एंड वो बातें बोलते हैं एंड यू जस्ट इग्नोर करते हो इस पर्सन को, ठीक है ना, या इस पर्सन ने एक्टिवली किसी थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व किया अपने टॉक्सिक बिहेवियर को एक्सपैंड करने के लिए, लाइक लोगों को इकट्ठा किया या किसी और रोमांटिक पार्टनर को बीच में वो लेकर के आए आपको इस टॉक्सिक बिहेवियर को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, लाइक आपको और नीचा दिखाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, प्रॉब्ली दूसरों के सामने आपके कुछ सीक्रेट, जो चीज़ें आपके लिए बहुत सेंसिटिव था, ठीक है, आपने प्रॉब्ली भरोसा करके इस पर्सन से आपने शेयर किया था और उन्होंने सबके सामने उन बातों को डिस्कस किया, सबके सामने डिस्क्लोज किया, जिससे आपका भरोसा टूटा है यहाँ पे, या विद दैट थर्ड पार्टी का देयर इज ऑल्सो अ फीलिंग कि उन्होंने जानबूझ के किसी और लवर को आप दोनों के बीच में लेकर के आए आपको आपको नीचा दिखाने के लिए, एंड दैट वॉज द लाइक लास्ट स्ट्रॉ, आप और बर्दाश्त नहीं कर पाए, आपने प्रॉब्लम इस पर्सन को थप्पड़ भी मारा था अंदर उनके इस टॉक्सिक बिहेवियर पे, इट्स लाइक इनका मजाक मजाक बोल करके उन्होंने इतना ज़्यादा आपको हर्ट कर दिया, लास्ट में जब वो ऐसे आपको चीट किए, लाइक थर्ड पार्टी को जब वो ले करके आए एंड दे ट्राई टू शो कि ओ इट्स जस्ट अ जोक, सो इट काइंड ऑफ हर्ट यू सो मच कि आपने उल्टे हाथ पर उनको थप्पड़ी लगा दिया से कि नो इट्स नॉट अ जोक, मेरे इमोशंस जोक नहीं है, एंड जिस तरीके से तुम मुझे गैस लाइट कर रहे थे, यू आर अ टॉक्सिक पर्सन, यू आर अ स्ट्रेट अ टॉक्सिक पर्सन, तुम प्यार के नाम पे कंसिस्टेंटली मुझे अब्यूज़ कर रहे थे, अब इस पर्सन को इस बात का रियलाइज़ हो रहा है कि दैट यस उनका ये सारे बिहेवियर्स बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रहा, ठीक, कोई अगर आप उनके साथ ये करते या कोई और उनके साथ ये सब कुछ करता तो वो ये सारी चीज़ों को भी बर्दाश्त नहीं करते, बट देन समहा वो ये सारी चीज़ें वो आपके साथ कर रहे थे, ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके कमर पे हाथ रख के बात करते थे, वॉक करते वक्त वो आपके कमर पे हाथ रख के वॉक करते थे, राइट, ये टॉक्सिसिटी को प्यार का नाम दे रहे थे, यू गॉट मेंटली और इमोशनली बहुत गंदे तरीके से अब्यूज हो गए हो इस पर्सन के हाथों, एंड नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि जिसने भी उन्हें ये टॉक्सिक बिहेवियर्स को सिखाया है, ठीक है, दे आर एंग्री ऑन दोज पीपल कि तुम लोगों ने मुझे प्यार के नाम पे टॉक्सिसिटी क्यों सिखाया, बिकॉज मुझे तो लग रहा था कि ये सब मजाक है एंड ऑल दिस, बट देन आई लॉस्ट माय पर्सन, ठीक है, ये थर्ड पार्टी के साथ जिन्होंने भी उन्हें ये टॉक्सिक लव सिखाया है उनके साथ वो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से फाइट कर रहे हैं, दे आर हैविंग लाइक रियली बैड फाइट्स ये थर्ड पार्टी एनर्जीज के साथ, या और वो लोग आपके पर्सन को पागल कह रहे हैं सेइंग कि
तुम पागल हो गए हो उसके प्यार में, इसलिए ऐसी सारी बकवास बातें कर रहे हो, बट योर पर्सन इज़ लाइक नहीं मैं पागल नहीं हो गया, तुम लोगों ने मुझे प्यार का एक बहुत ही गलत परिभाषा सिखाया है जिसकी वजह से आई हैव लॉस्ट माय पर्सन, मेरा पर्सन मुझे थप्पड़ लगा करके लाइक मेरी टॉक्सिसिटी से परेशान होकर के दिस पर्सन ब्रोक अप, ठीक है आई लॉस्ट माय पर्सन बिकॉज दिस पर्सन डजंट लव मी एनी मोर, ठीक है उनके दिमाग में यही है कि आप उनसे और प्यार नहीं करते हो, आप लाइक फेड अप होकर के आप छोड़ के चले गए। एंड यस सेइंग यू वर राइट, आपका ये भी आपने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही था। देयर इज ऑल्सो अ फीलिंग कि आप कंसिस्टेंटली इस पर्सन को मना कर रहे थे पर वो उस वक्त आपकी कोई बात सुन नहीं रहे थे बिकॉज दे वर वेरी मच कन्विंस कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये पर्सन विश करते हैं कि आप एक लीप ऑफ फेथ लो उनके तरफ, लाइक अगर वो आपको अप्रोच करे तो आप उनकी बात सुनो, उनकी एक्सप्लेनेशन सुनो और इस रिलेशनशिप को दोबारा मौका दो, ठीक है। बट देन आपने इस पर्सन को एज अ फेक डिवाइन फेमिनिन टैग कर दिया है, सो आई एम स्पीकिंग टू अ डिवाइन मैस्कुलिन, एंड आपने इस पर्सन को एज अ कार्मिक टैग कर दिया है, सेइंग कि यू आर अ टॉक्सिक कार्मिक फेमिनिन, यू आर फेक पर्सन, तुमने ठीक है अगर तुम्हें किसी ने गलत शिक्षा दी है पर जब तुम देख रहे थे कि मैं हर्ट हो रहा हूँ एंड आई एम सेइंग कि मुझे हर्ट हो रहा है, ठीक है पर फिर भी तुमने अपने आप को रोकना ज़रूरी नहीं समझा, सो हाउ फकिंग टॉक्सिक आर यू कि तुम देख रहे हो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उसके बावजूद भी तुमने कंटिन्यू किया तुम्हारे इस बिहेवियर को, एक नफरत वाली एक वाइब है आप लोगों की एनर्जी से कि आपको कहीं ना कहीं प्यार के नाम से रिश्तों के नाम से आपको नफरत सी हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस पर्सन गैस लाइटिंग यू लाइक दिस, आपको कंसिस्टेंटली इस तरीके से हर्ट करने के लिए झूठ बोल के आपके साथ मैनिपुलेशन गेम खेलने के लिए आपको एक नफरत सी हो गई है रिश्तों के नाम से, ठीक है। ये पर्सन इस पर्सन ने आपको ड्रीम स्टेट में भी काफ़ी परेशान किया है, लाइक वो एक्टिवली ड्रीम स्टेट में आकर के दे ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू, ठीक है एंड दे आर वेरी वरीड, वो बहुत ही टेंस्ड है कि आप लेट गो कर चुके हो। ये पर्सन खुद भी ड्रीम में बार बार करके यही देख रहे हैं कि आप उन्हें डंप कर रहे हो लाइक इमोशनली मेंटली, लाइक वो जो आपके दिल से उतर गए हैं इस चीज़ को वो बार बार करके अपने सपने में देख रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी ट्रॉमेटाइज्ड एट द पर्सन। आप इस पर्सन को पर्सनली बहुत ही लालची तौर पर भी देखते हो, ठीक है, वेरी कोडिपेंडेंट वेरी सेल्फिश एनर्जी आप देखते हो क्योंकि ये अपने मज़े के लिए, ठीक है इट वॉज ऑफकोर्स ये एक पर्सन का टॉक्सिसिटी है राइट, अगर वो देखता भी है समझता है कि सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी वो कंटिन्यू करता है अपना बिहेवियर जानबूझ के सामने वाले की भावनाओं को अगर बार बार करके ठेस पहुँचाता तो ये उसका ईविल साइड हुआ राइट, ये उसकी टॉक्सिसिटी हुई उसका, आई एम नॉट फाइंडिंग वर्ड्स एनी मोर यहाँ पर गाली निकल जाएगी अब तो। सो आपने लिटरली इस पर्सन का जो अगली साइड है ना आपने उसे एक्सपीरियंस कर लिया है, सो यू डू नॉट वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन एनी मोर, ठीक है ना, बट बिकॉज ये पर्सन कंसिस्टेंटली ड्रीम स्टेट के ज़रिए आपको साइकिक अटैक्स भेज रहे हैं इसलिए आप इस रीडिंग पर आए हो कि यार कब ये मेरा पीछा छोड़ेगा, लाइक आई एम फेड अप विद दिस एनर्जी बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, ठीक है ये एनर्जी बार बार करके सिर्फ आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करता है, ठीक है सेल्फिश है, ठीक है
बट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हिट अ वेरी बैड कार्मा राइट नाउ. ठीक है, इसके लाइफ में दे सेइंग कि जहाँ वो आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करने की कोशिश करेंगे ना आफ्टर दिस रीडिंग, जहाँ वो आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे ना, दे विल हिट अ रॉक बॉटम, एक टावर हिट करेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से. देर से कि जब भी वो आपको हर्ट करने की कोशिश करता है, एक टावर हिट होता है उसके लाइफ में, तब भी उसे एक रियलिटी चेक मिलता है कि उसे आपके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, आपको हर्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज यू आर अ डिवाइन वन. ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पर. चेक कर